भारत के टॉप 10 ऐसे मंदिर जहां भगवान या देवी देवता की पूजा नहीं होती। महाभारत काल में कौरव और पांडवों ने कई शिव मंदिर बनवाए थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन मंदिरों की जहां पर देवी या देवता की नहीं बल्कि कौरव और पांडवों की पूजा होती है। हालांकि हिमाचल और उत्तराखंड में ऐसे कई मंदिर हैं, लेकिन यहां कुछ चुने हुए 10 मंदिरों की जानकारी। पहला मंदिर शकुनी मंदिर, दुर्योधन के मामा शकुनी का मंदिर है। यह मंदिर केरल के कोल्लम जिले के मायकोट्टू मलनचारुवु में स्थित पवित्रेश्वरम नाम से प्रसिद्ध है। शकुनी मंदिर के पास ही दुर्योधन का भी मंदिर बना हुआ है। दूसरा मंदिर हिडिंबा मंदिर, हिडिंबा मंदिर मनाली में बना हुआ है। यहाँ पर लोग आज भी प्रसाद के रूप में अपना खून चढ़ाते हैं। हिडिंबा भीम की पत्नी थी जिसका पुत्र घटोत्कच था। तीसरा मंदिर कर्ण का मंदिर, दानवीर कर्ण का यह मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सारनोल में स्थित है। यह मंदिर लकड़ियों से बना हुआ है जिसमें पांडवों के 6 छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। इसके अलावा मेरठ में भी कर्ण का एक मंदिर है। चौथा मंदिर द्रौपदी मंदिर, भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक द्रौपदी का मंदिर है जो बेंगलोर में स्थित है, और यह मंदिर 800 साल पुराना माना जाता है, जिसका नाम धर्मराय स्वामी मंदिर है। पांचवा मंदिर गांधारी मंदिर, कौरवों की मां गांधारी का मैसूर में एक अनूठा मंदिर बना हुआ है, हालांकि इनके और भी मंदिर हैं। छठा मंदिर भीष्म मंदिर, भीष्म पितामह का मंदिर इलाहाबाद के दारागंज क्षेत्र में है। यहाँ तीरों की शैया पर लेटी हुई भीष्म की 12 फीट लंबी प्रतिमा है। सातवां मंदिर बर्बरिक का मंदिर, भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक का यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। इस मंदिर की प्रसिद्धि खाटू श्याम के नाम से है। आठवां मंदिर सहदेव का मंदिर, हिमाचल के सोलन गांव में सहदेव का एक चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर को महादेव के दूत के नाम से भी जाना जाता है। यहां एक गुफा में कभी कभी ढोल नगाड़ों की आवाजें भी आती है। नौवां मंदिर इरावन का मंदिर, नागराज कौरव्य की पुत्री नागकन्या उलिपि और अर्जुन का पुत्र इरावन था। देश भर के किन्नर इसको देवता मानकर पूजते हैं। इसकी याद में हजारों किन्नर तमिलनाडु के कुआगम गांव में एकत्रित होते हैं। यहां उनका एक मंदिर भी है। दसवां मंदिर युधिष्ठिर का मंदिर, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दक्षिण बस्तर जिला मुख्यालय से 72 किलोमीटर दूर तेलंगाना की सीमा पर स्थित पुजारी कांकेर नामक गांव में 5 पांडवों के मंदिर हैं। इस मंदिर के अलावा गांव की सीमा पर युधिष्ठिर का एक और मंदिर भी बना हुआ है।